अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियोस अलर्ट के लिए बेल आइकन पर टैप या क्लिक करना मत भूलिएगा। जी दोस्तों, तो हाउ टू यूज़ एंड्रॉयड फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, हैंडसेट एज DSLR, आज का वीडियो का टॉपिक हमारा ये है। तो वीडियो पे जाने से पहले काइंडली मेरा फेस यूट्यूब चैनल काइंडली से यहाँ से सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहीं पे जाके मेरा फेसबुक पेज आप काइंडली से लाइक कीजिएगा। जी तो चलते हैं हम अपने हैंडसेट पे। जी तो चलते हैं अपने हैंडसेट पे। जाएंगे हम गूगल प्ले स्टोर में। अब प्ले स्टोर में जाएंगे हम, वहाँ पे आप जो है सर्च में लिखेंगे आफ्टर इफेक्ट्स प्रो। सॉफ्टवेयर मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन करते हैं। जी हम जाएंगे कैमरे से, अगर आप कोई तस्वीर लेना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप ये वाली ऑप्शन, और अगर आप एल्बम से कोई पिक करना चाह रहे हैं तो ये वाला, और अगर आप अपना कोई सेव प्रोजेक्ट ओपन करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन आप ओपन करेंगे। तो हम जाते हैं एल्बम में, वहाँ से तस्वीर पिक करते हैं, ये वाली तस्वीर लेट सपोज मैं पिक करता हूँ। अब ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप जो है तो स्मार्ट जो है मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं या मैनुअल। मैनुअल में आपको जो है तो पूरी सिलेक्शन करनी होगी, और स्मार्ट में जो है सिर्फ आपको जो है बॉर्डर सेलेक्ट करने होंगे। तो मैं स्मार्ट ही सेलेक्ट करके कंटिन्यू करता हूँ। जी तो अब हम जाएं, जी तो ये तस्वीर हमने ओपन कर दिया है। अब हम इसमें जाके जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसके बॉर्डर्स हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप बॉर्डर जो है इसके तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो तस्वीर है जी, तो अब ये सिलेक्शन हो गई है। अब हम इसको चाह रहे हैं कि ये जो पीछे वाला बैकग्राउंड है ये ब्लर रहे, और ये तस्वीर जो है ये ब्लर ना रहे। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नीचे वाली सजेस्ट करूँगा। इसमें आप ज़्यादा आसानी के साथ ब्लर कर सकते हैं, तो ये एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जी तो इस तरह तरीके के साथ जो है आप सारा एरिया ख़त्म कर सकते हैं। हम नेक्स्ट करेंगे इसे, जब हम नेक्स्ट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये पीछे वाला बैकग्राउंड जो है ये ब्लर है, और ये तस्वीर जो है ये ब्लर नहीं है। अब आप इसमें यहाँ पे ब्लर के ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पे, और आप इस ब्लर को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसे ज़्यादा कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये ब्लर की ऑप्शन पीछे ज़्यादा हो गई है। अब मैं इस ऑप्शन में जो है मोशन ब्लर करना चाह रहा हूँ। लेट सपोज ये देखें आप, ये मोशन ब्लर हो गए, ये बैकग्राउंड में आप चेक कर सकते हैं ये मोशन ब्लर हो गए। और अब मैं इसमें जो है थर्ड इफेक्ट अप्लाई करता हूँ जूम ब्लर की, तो ये आप चेक कर सकते हैं ये जूम ब्लर हो गया है। अब अगर आप इसे सेव करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसे सेव कर देंगे। हम यस कर देते हैं चेंजेस। जी तो अब ये तस्वीर सेव हो रही है। जी तो ये तस्वीर सेव हो चुकी है। अब हम इसे जाके गैलरी में चेक करते हैं। मैं जाऊंगा अपनी गैलरी में, वहाँ पे ये आप देख रहे हैं आफ्टर इफेक्ट्स का अपना फोल्डर है,
यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये आपकी तस्वीर जो है वो सेव हो चुकी है। ये आप इसमें ब्लर इफेक्ट देख सकते हैं। आप मज़ीद भी इसमें ऑप्शन है, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना क्रिएटिवली इसे यूज़ करते हैं। तो आई होप कि मैं समझा पाया हूँ। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और सजेशन से मुझे आगाह कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम वगैरह पर शेयर करना मत भूलिएगा। अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।